वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड सिक्स्थ। टुडे वी आर बिगनिंग न्यू चैप्टर, चैप्टर 11, रेशो एंड प्रपोर्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड do problems along with me. So students, look here, first problem is given here of practice set 28 of your textbook. आपको भी अपनी textbook open करनी है और मेरे साथ समझना भी है और solve भी करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है आपको 2456, तो इसका रेशो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स लुक हियर, 2456, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन। इसको हम इस रेशो के फॉर्म में लिख देंगे। रेशो मीन इस तरह से लिखना, दो नंबर्स को जैसे 11, 12, दिस इज 11 रेशो 12, इस तरह से लिखने की प्रोसेस को ही हम रेशो करते हैं। तो यहाँ 24 है और 56, व्हाट इज गिवन हियर 24 एंड 56। सो हमको ये देखना है 24 और 56 इज कॉमन इन विच टेबल, दोनों ही कौन से टेबल में कॉमन है, हमको ये देखना पहले इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 24 और 56 जो है 8 के टेबल में दोनों ही कॉमन है। कौन से टेबल में? 8 के टेबल में। सो 8 3 24 एंड 8 7 56, 3 और 7 कैसे आया? 8 को मींस 8 3 24 और 8 7 56, और इसको हम फाइनल लिखेंगे रेशो के फॉर्म में 3 रेशो 7। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 63 49। हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं 63 रेशो 49, देन 63 अपॉन 49। अब हमें क्या देखना है, दोनों ही नंबर्स कॉमन किस टेबल में है। दोनों ही कॉमन है 7 के टेबल में। सो स्टूडेंट्स हम इस तरह से डिविजन करेंगे 7 and 7, 7 9 are 63, 7 9 are 63 and 7 7 are 49, 7 7 are 49। तो हम इसको रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 रेशो 7, 9 रेशो 7। सो इस तरह से ही आपको ये प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने किया हूँ सेम वैसे ही आपको करना है। मैं आपको सॉल्यूशंस भी सेंड करने वाला हूँ, लेकिन सॉल्यूशंस को आपको तभी देखना है जब आपको कोई कंफ्यूजन हो, अदरवाइज आपको खुद ही करके देखना है एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन सिंपली व्हाट्सएप मी और कॉल मी।